इस दीपावली आपके घर कोई रिश्तेदार आए और आपको पढ़ाए और शादी के बारे में बोले, तो आप उनको बोले कि पहले ये हमारी पजल सोल्व कर गया। नमस्ते, मैं गौरांग हूँ और हमारी इस D20 सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अक्सर ऐसी LED डिस्प्ले कहीं दुकानों में, बसों में और मॉलों में देखी होगी। आजकल तो वो LED डिस्प्ले मंदिरों में भी देखने को मिल जाती है। इसी LED डिस्प्ले का उपयोग करके हम बनाएंगे एक खूबसूरत सी घड़ी। इतना ही नहीं, वो मैसेज और ग्रीटिंग्स भी डिस्प्ले करेगी, वो भी ब्लूटूथ के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं इस घड़ी को बनाने के लिए क्या और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ब्रेडबोर्ड HC05, ब्लूटूथ मॉड्यूल, RTC रियल टाइम क्लॉक DS3231, मैट्रिक्स डिस्प्ले MAX7219, पुश बटन आर्डिनो नैनो एंड केबल। तो चलिए देखते हैं ब्रेडबोर्ड का उपयोग कैसे करते हैं। ये जो लाइनें हैं वो अंदर से पूरी कनेक्टेड रहती है। ये माइक्रो कंट्रोलर है, वो हमारी घड़ी का ब्रेन है जो ऑपरेशन को मैनेज करता है। ये RTC मॉड्यूल जो घड़ी को बंद होने के बाद भी इस सेल की मदद से टाइम को सेव करके रखता है। मैट्रिक्स डिस्प्ले में कुल 256 LEDs है जो सिर्फ ये 5 पिनों की मदद से काम करेगी। VCC में 5 वोल्ट, GND मतलब ग्राउंड, DIN मतलब डेटा इनपुट, CS 4 मैट्रिक्स में डेटा शेयर करेगी, CLK में डेटा सिंक्रोनाइज करने के लिए। और ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल जो हमारे मैसेज को डिस्प्ले तक भेजने का काम करेगा। और आर्डिनो नैनो को ब्रेडबोर्ड पे कुछ यू फिट करेंगे ताकि दोनों साइड की पिनें अंदर से शॉर्ट ना हो। अब जम्पर वायर की मदद से स्कीमेटिक में दी गए कनेक्शन की तरह कनेक्शन कर लेंगे। स्कीमेटिक की तरह कनेक्शन करने के बाद हम केबल की मदद से लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आर्डिनो का सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। जब भी हम कोड कर रहे हैं उससे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल का RXTX जो पिन है उसको रिमूव कर ले, उसके बाद ही कोड अपलोड होगा। अब डिस्क्रिप्शन में दी गई कोड की लिंक पे जाके सब फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्लॉक INO फाइल को ओपन करके अप्रोप्रिएट कॉम पोर्ट और बोर्ड सिलेक्ट करके कोड को अपलोड कर लेते हैं। अगर टाइम सही नहीं दिखा रहा तो आप 122 नंबर की लाइन पे जाके ये दो स्लैश हटा के इस तरह टाइम सेट कर सकते हैं। अब मोबाइल से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड दिखाए गए ऑप्शन पे जाके ब्लूटूथ सिलेक्ट करके पासवर्ड में 1234 या 000 डाल के कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद कोई भी मैसेज या ग्रीटिंग्स लिख के सेंड करते ही डिस्प्ले में दिखाना स्टार्ट कर देगा। मैसेज दिखाई देने के बाद दिए गए बटन की मदद से हम मैसेज को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद घड़ी फिर से अपना टाइम दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो लीजिए, तैयार है हमारी खूबसूरत सी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जिसपे हम कोई भी मैसेज और ग्रीटिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को CCL फैमिली की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।